Hi guys, so I am doing a series in which I'm solving all your saree related problems but one by one. और इतने सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि मैम आप हिंदी में भी बोला करें, तो आई एम डूइंग दिस इन हिंदी. सो अब जब प्लीट्स बनाना मैं बता रही हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि मैम आपकी प्लीट्स तो एकदम खटाक से गिर जाती है, हमारी तो हम बनाते रहते हैं और वो बैठती नहीं है. तो मैं तीन स्टाइल दिखा रही हूँ, आप जो भी है देखिए, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी. अब पहला स्टाइल ये देखो, आपने ऐसे प्लीट लिया, फिर आप इधर जाते हो, फिर आप इसको लेते हो, फिर इस थंब से आप इसको पकड़ो, फिर इधर जाओ, फिर देखो आप ये इंडेक्स फिंगर से आप पकड़े हो, फिर थंब, फिर इंडेक्स फिंगर, फिर थंब, फिर इंडेक्स फिंगर, फिर थंब. अब जब आप डस्ट करोगे, देखो आपकी सारी प्लीट्स एकदम नीट गिर जाती है, ठीक है. अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा स्टाइल. अगर आपको लगता है ऐसे नहीं बनेगा तो आप इसको फॉलो करें. ये ले, ठीक है, दो उंगली यहाँ, एक उंगली यहाँ, ये देखिए, थंब एंड द लिटिल फिंगर, एंड थंब एंड द लिटिल फिंगर. आप देख रहे हो, देखो ये थंब आया और ये लिटिल फिंगर को हम उठाते हैं और इसको लिटिल फिंगर में पकड़ते, फिर ये थंब लेते हैं, फिर ये लिटिल फिंगर में पकड़ते, फिर थंब लिटिल फिंगर, थंब लिटिल फिंगर. फिर देखो वापस से, जब मैं इसको इकट्ठे करती हूँ तो लिटिल फिंगर को छोड़ देना है और आपकी सारी प्लीट्स नीचे आ जाएगी अलाइन. ये देखिए, ये हो गया सेकेंड स्टाइल. अगर आपको ऐसा लगता है ये भी आपके लिए डिफिकल्ट है, तो चलो हम आपको एक और स्टाइल बताते हैं. आप इसको ऐसे लोगे, ठीक है, प्लीट्स को आप अपने पेट पे रेस्ट करना, ओके. ये तो हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे को एक बेस मिल रहा है आपका. ये थोड़ा सा ऐसे, ये देखो, ठीक है. अब आप इस साड़ी को ऐसे पकड़ो थोड़ा और पास, ऐसे, ये देखो, लिटिल फिंगर, फिर ये इंडेक्स फिंगर, ठीक है, फिर ये लिटिल फिंगर, फिर ये इंडेक्स, फिर लिटिल, फिर इंडेक्स, फिर लिटिल, फिर इंडेक्स, इंडेक्स, लिटिल, लिटिल, इंडेक्स, इंडेक्स, लिटिल, लिटिल, इंडेक्स. ऐसे करते जाएंगे और बस देखो ऐसे बन गए. सारी पटलियों को यहीं पे अलाइन कर लो ताकि फिर ऐसा नहीं हो फिसल के गिर जाए और फिर दोबारा बनानी पड़े. क्योंकि जहाँ आपको दोबारा बनानी पड़ी, मुझे पता आप थक जाओगे और फिर आप सोचोगे मुझे तो साड़ी पहननी नहीं है. आप इसको इकट्ठे ऐसे पकड़ोगे और फिर डस्ट करोगे. जैसे ही आपने डस्ट किया, ये देखो आपकी प्लीट्स अलाइन हो गई. देखा कैसे इतने अच्छे से प्लीट्स गिर जाती है. सिर्फ एक ही चीज़ तो मैं आपको बोल रही हूँ, वीडियो तो मैं दिखा रही हूँ, प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी ना. तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और बताएं कि तीनों में से आपको कौन सा पैटर्न या कौन सा स्टाइल सबसे ज़्यादा आसान लगा, कमेंट सेक्शन.